हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब बुलबुल। फ्रेंड्स, आज की ये जॉब्स होने वाली है, बहुत ही अच्छी जॉब्स होने वाली है। एक्चुअल में कल किसी ने कमेंट्स किया था कि सर, हेल्पर की तो जॉब चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, थोड़ी इजी जॉब चाहिए, जो बहुत ही इजी हो, जिसमें मेहनत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की जॉब मैं लेके आया हूँ बहुत ही इजी जॉब्स आपके अनुसार। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल क्या रहता है कि जितना हम लोग ज़्यादा पैसे में जाएंगे, कहने का मतलब है कि जितनी हार्डवर्क वाली जॉब्स रहेगी उतना ही थोड़ा अच्छा पैसा रहेगा, और जितना हम लोग जो है कम मेहनत वाली सैलरी में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सैलरी कम रहेगी, क्योंकि मेहनत थोड़ी कम रहती है, वैसा ही इस जॉब में है। आज का ये वीडियो ज़्यादा कुछ लंबा होने वाला नहीं है, 4-5 जो मेन टॉपिक है उसमें एक्चुअल काम क्या है, टाइमिंग क्या है, बस मैं वही बताऊँगा आपको। बहुत ही छोटा और शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो है पैकिंग पैकर्स का, पैकिंग और पैकर्स का ही है, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग करना है। आपने शायद पोस्टर देख लिया होगा, पोस्टर देख के समझ गए होंगे, फिर भी बता दूं कि ये जो पैकिंग्स और पैकर्स का काम है, ये है मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है, टेबलेट्स वगैरह बनाती है, उस कंपनी का पैकिंग का काम है। कंपनी का अगर मैं नाम लूँ तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, जगत फार्मा। शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल पे सर्च कर लीजिए जगत फार्मा, या फिर किसी मेडिकल में जाके पूछ लीजिए। जगत फार्मा बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मैन्युफैक्चर यूनिट में आपको पैकिंग का काम रहेगा। काम एकदम ईजी है, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई उठा पटक का काम नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे खड़े खड़े आपको पैकिंग करना रहेगा, टेबलेट्स वगैरह, टेबलेट्स पैकिंग किया हुआ प्रोडक्ट को, आइटम को कार्टून में भरना और कार्टून को पैक करना, उसके ऊपर स्टिकर लगाना, उसको स्टिकर चिपकाना, वो जो माल रेडी हो जाता है उसको जो वैन डिलीवरी के पास रखना, कभी मान लो अगर वह वैन आ जाता है, डिलीवरी बॉय नहीं रहता तो उसको लोड करना। तो कहने का मतलब है कि कुछ हैवी काम नहीं है, और ये सारा का सारा जो काम होने वाला है वो एसी के अंदर होने वाला है। एसी का मतलब वातानुकूलित, आराम से बैठ के ठंडी हवा में आप ये काम करेंगे, तो है ना आराम का काम, इतना आराम का काम कि एसी में आपको काम दिलवा रहा हूं। तो पैकिंग का काम है ये, लेकिन इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्लस फ्री के नाम का इसमें कुछ भी नहीं मिलता। और फ्री के नाम का बोले तो जॉब तो फ्री ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो रूम और खाने की फैसिलिटी है वो नहीं है इसमें, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। रूम आपको करना पड़ेगा, खाना पीना आपको करना पड़ेगा, एवरी संडे छुट्टी, और अभी कंपनी सैटरडे भी छुट्टी देने लगी है। जब काम नहीं रहता तो सैटरडे और संडे दो दिन छुट्टी, शनिवार और इतवार दो दिन छुट्टी, नहीं अगर काम ज़्यादा है तो नॉर्मल जो संडे छुट्टी होता है वीक ऑफ का वो छुट्टी होता है। ड्यूटी का टाइम सिर्फ और सिर्फ 9 घंटा। प्राइवेट लिमिटेड काम है, डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइनिंग रहता है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट हॉलीडे वगैरह जो आता है उसमें भी आपको छुट्टी मिलती है। कहने का मतलब कुल मिला के एक ही बात है कि ईजी काम है, बहुत ही हल्का काम है, बहुत ही जो है आसान काम है, हर कोई कर सकता है। हर कोई का मतलब है कि बच्चा नहीं कर सकता है, एज लिमिट इसमें रहता है कंपनी के द्वारा, वही जो हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 18 से ऊपर और 25 के अंदर, 25 साल के अंदर में और 18 साल से ऊपर वाला वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ और सिर्फ लड़के लोग, नॉट फीमेल, लड़की लोगों के लिए या फीमेल के लिए इस जॉब में, इस वीडियो में जो है कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स। रूम की फैसिलिटी नहीं है, खाने की फैसिलिटी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में सैलरी की बात, तो सैलरी इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैलरी देखने को मिलेगी। 12,000 सैलरी तो कम है, पता है कि काफ़ी लड़के लोग बोलेंगे कि सर 12,000 सैलरी बस उतना ही सर, हम खाएंगे क्या,
रूम रेंट क्या देंगे। तो ये जो जॉब्स है वो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं लोकल से हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं जो बेंगलोर में ऑलरेडी रह रहे हैं, ये जॉब उन लोगों के लिए है। लोकेशन वैसे एक बता देता तो कि मेडिकल्स की जो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरर जो है जगह जगह रहता है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चर प्लांट्स जो है वो आप कॉल करेंगे तो हम लोग आपको बता देंगे कि कौन से जगह में इसका आपको काम रहेगा। ओनली फॉर बेंगलोर लोकेशन के लिए है ये जॉब्स, बहुत ही अच्छी जॉब्स है, बहुत ही इजी जॉब्स है। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका 10th का मार्कशीट वो कंपलसरी है। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे पास 10th का मार्कशीट नहीं, मैं 10th तो पढ़ाई और नहीं हूँ, मैं तो सर जो अनपढ़ हूँ, चलेगा यार काम चला लेंगे, लेकिन एक हल्का सा तो कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ इंग्लिश का नॉलेज या फिर कुछ फोन जैसे हम लोग चलाते हैं ना एंड्रॉइड फोन, उसमें जो बेसिक इंग्लिश आती है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कहने का मतलब ए बी सी किसको कहते हैं, वो खाली पढ़ना थोड़ा आना चाहिए, बस उतना काफी है। तो बहुत इजी जॉब है, बहुत ही हल्की जॉब से, प्लस बहुत ही आसान जॉब से, और एसी वाली जॉब से, एसी वाली बोले तो एसी वैसी वाली नहीं, एसी जो ठंडक पहुंचाती शरीर को वो वाली एसी वाली जॉब से, जिसमें आप ठंडे में बैठ के काम करेंगे अच्छे से। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स वीडियो शेयर जरूर करें, मैं एक बार और बोल देता हूँ वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं जो ये बोलता हूँ कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि जो बोलते हैं कि सर आपका नंबर मिला था मुझे, मेरे उस फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था सर, वो बोल रहा था कि आपके पास काम है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा नंबर देने की बजाय क्यों नहीं ये जो वीडियो वही शेयर करते हैं, क्यों ना ये जो लिंक है चैनल का लिंक वो शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। उससे क्या रहेगा कि वो जो कॉल करेगा ना उसको वो वीडियो देखेगा या फिर वो लिंक से हिसाब से चैनल में जाएगा तो उसको सारा अपडेट्स मिल जाएगा कि हम लोग के पास कौन सी जॉब्स है, क्या सैलरी रहती है, क्या टाइमिंग रहती है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। तो बेटर है कि आप नंबर शेयर नहीं करके चैनल का लिंक शेयर करें या फिर कोई वीडियो शेयर करें जो आप अच्छा लगा आपको, या फिर आपको लगा कि ये जॉब्स मेरा दोस्त कर सकता है या मेरे से फ्रेंड सर्कल में या फिर मैं अपने परिवार में किसी को बता सकता हूँ ये जॉब्स वो उसके लायक है, तो वीडियो शेयर करें ना कि मेरा नंबर शेयर करें। उससे आपको भी एक बेनिफिट रहता है ये कि अगला वाला अगर पूछ रहे कि इनके पास कौन सा काम है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको सीधा सा सर भैया ये वीडियो देख लीजिए उसमें सारे डिटेल्स रहेगा। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब्स पैकिंग और पैकर्स वालों के लिए, आने वाली कल की जॉब सेम रहेगी, उसकी थोड़ी सैलरी अलग रहेगी, और वो जॉब्स थोड़ी कुरियर्स वाले के लिए जो पैकिंग और पैकर्स वाली वो वाली रहेगी। तो कल का वीडियो देखना ना भूले, आज से बता रहा हूँ क्योंकि वो जॉब थोड़ी हटके रहेगी। तो गाइस मिलते हैं कल वाली जॉब के साथ, हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और